डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है ये हमने सारा किया है। ये सीबीएसई को नहीं आएगा, सिर्फ जेके बोर्ड वालों को आएंगे। तो इनमें से आपको मैं बताता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं। आप लोगों को डायग्राम और क्या चेंजेस आनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं। एक है बेटा एक्शन लाइन वाला क्वेश्चन, एक है इक्विटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन और एक है टार्क। सेम है, मैंने वो आपको बताए भी है कौन सा किसके साथ रिप्लेस करना है, ये मैंने बताया हुआ। आज फिर से बताता हूं, बात सुनिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्शन लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल आर बार मैग्नेट। सिंपल क्वेश्चन है, वही रिपीट करना है बेटा। एक बार मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट हो गया ये, जिसका साउथ पोल ये है, ये है नॉर्थ पोल। मैंने आपको बताया हुआ साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनेज आती है और साउथ से नॉर्थ पोल चलती है, नॉर्थ पोल से दूर जाती है, ऐसे। ये यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आता है इस तरीके। इसका मतलब याद रखे, साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनेज आती है, एंटर करती है और नॉर्थ पोल से दूर जाती है। ये याद रखना, साउथ पोल की तरफ आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइनेज, नॉर्थ पोल से दूर जाती है, याद रखना। और अब एक चीज ये आप लोगों को बताता हूं, अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं एक्शन लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्शन लाइन। इस एक्शन लाइन पर पॉइंट पी है और सबको पता है अगर ये सेंटर है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल है, बराबर वही है एक्शन लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला इसका टेस्ट भी दिया है आप लोगों ने, वैसे ही करना है। यहां से ओ से, सेंटर से ओ तक है आर, और ए से एस से पी तक आर और एल हो गया आर प्लस एल, ये ऐसे रखना है बेटा, ठीक है। और एन से पी तक आर माइनस एल हो गया आर माइनस एल, ठीक है। ये डिस्टेंस आर माइनस एल, ये डिस्टेंस आर प्लस एल। अब देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर वो इधर की तरफ आएगी, क्योंकि साउथ पोल, साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइनेस आती है, इसलिए इसका, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द साउथ पोल, हो गया बी वन वैक्टर। ये किसकी वजह से है? साउथ पोल की वजह से, शाबाश बेटा। नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइनेस दूर जाती है, हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया बी टू वैक्टर। मगर नॉर्थ पोल नजदीक है यहां पी को, इसलिए ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बड़ा बनाना है वेक्टर इससे। ये दूर है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम रखनी है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रखनी है। अब कितने वेक्टर्स है? एक इधर से है, एक इधर से है। इधर से अगर पांच आदमी खींच रहे हैं, इधर से तीन आदमी खींच रहे हैं, रिजल्टेंट क्या होगा? 5 - 3 हो गया 2, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हो गया बी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा? शाबाश, बी टू माइनस बी वन। बेटा ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वही है एक्शन लाइन वाला। वो आप लोग कॉपी पर खोल दीजिए वो क्वेश्चन, और याद रखिए उस क्वेश्चन में ई को रिप्लेस करना है, जहां ई है वहां बी है। एक रिप्लेसमेंट,
ई की जगह पर लिखना है बी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखना है बेटा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये भी बताया हुआ, ये दूसरा रिप्लेसमेंट है उस क्वेश्चन में, याद रखिए। और याद रखिए क्यों वहां पर एक जगह पर था, क्यों को रिप्लेस करना है एम, एम होती है पोल स्ट्रेंथ, एम होती है इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम है, क्यों को रिप्लेस कर दीजिए एम से, शाबाश। और पी को रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल एम से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में रिप्लेस करना है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन फोर पाई में, क्यों को एम से, एम पोल स्ट्रेंथ है, पी डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कर दीजिए किससे रिप्लेस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। आप लोग देख लीजिए जब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे आंसर खुद पता चलेगा, शाबाश बेटा, आंसर इसका ऐसे आएगा, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, एक्शन लाइन में, एक्शन लाइन में ई निकाला था हमने वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यू, ये आया था क्वेश्चन बेटा एक्शन लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। यहां पर क्या बेटा आएगा, ई के बजाय रिप्लेस क्या करेंगे बी, शाबाश बेटा, ई शुड बी रिप्लेस्ड बाय बी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट जो है इसको रिप्लेस करना है किससे बेटा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई से रिप्लेस करना है, टू फॉर ऐसे ही रखना है, पी के बजाय कौन सा लिखेंगे कैपिटल एम अपॉन आर क्यू, ये आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंग ऑन द एक्शन लाइन ऑफ शाबाश मैग्नेटिक डायपोल। इसी तरीके से बेटा अगर आप लोगों को इक्विटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन होगा, इक्विटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन में भी मैं डायग्राम समझाऊंगा, फिर बाकी तो सेम ही रहेगा। इधर देख लीजिए, एक अब है डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। इधर बात सुनिए बेटा, ये है एक मैग्नेटिक डायपोल, ये साउथ पोल है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये है इसका सेंटर, सेंटर है इसका ओ, ठीक है। यहां से आप लोगों को एक लाइन परपेंडिकुलर खड़ा करनी है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, जो परपेंडिकुलर होगी एक्शन लाइन को, इसको यहां पर पॉइंट पी लेना है, आपको बताना है इस पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है बेटा। पॉइंट पी लाइज ऑन द इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन होती है जो एक लाइन परपेंडिकुलर हो एक्शन लाइन को, लेकिन पास होना चाहिए सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल से पास जो होती है मगर परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं बेटा शाबाश, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। अच्छा, इस इक्विटोरियल लाइन में इधर बात सुनिए, एस पी और एन पी को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये याद रखना है, साउथ पोल की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आती हैं, नॉर्थ पोल से दूर जाती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल हो गया इधर की तरफ, इसको रखोगे बी वन वैक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल वो होगा बाहर की तरफ बी टू वैक्टर, ठीक है। ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस भी एल, और यहां से यहां तक है आर, डायग्राम को समझ लीजिए। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर पी एस ओ, ट्रायंगल पी एस ओ में पीजीटी अगर लगाएंगे, पीजीटी थ्योरम, तो ये आएगा रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये भी आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर। अच्छा बेटा, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज है इस वक्त? दो, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ। इनको नेट इलेक्ट्रिक, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहले बी वन को रिजॉल्व करते हैं। बी वन को रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा है, ये भी थीटा है, अल्टरनेट एंगल है, और ये अगर थीटा है, ये भी थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अच्छा इधर देख लीजिए, बी वन को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक आएगा, ये हो गया बी वन कॉस थीटा, और यहां से एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलते हैं बी वन साइन थीटा। इस बी वन को रिजॉल्व कर दिया टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इसी तरीके से बी टू को भी रिजॉल्व कर दीजिए, पहले इधर से और एक इधर से रिजॉल्व कर दीजिए। ये बन गया b2 cos थीटा, ये बन गया b2 sin थीटा। ठीक है बेटा, ये डायग्राम है, दो कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, b1 sin थीटा एंड b2 sin थीटा आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। द टू कंपोनेंट्स b1 cos थीटा और b2 cos थीटा, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए ये वाले दो कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दो कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ द पोल्स विच मेक्स द मैग्नेटिक डायपोल इज गिवन बाय बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा। शाबाश बेटा, और सिंपलफाई करने पर आपको आंसर क्या आएगा बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई पी के बजाय M अपॉन आर क्यू, रिप्लेसमेंट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, वही है, फिर से वही। ठीक है, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन वाला, वही रिपीट करना है, वो पेज सामने रख दीजिए और चेंजेस लाइए जो जो मैंने बताई हुई। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी पर है, ये चार क्वेश्चन है आप लोगों को जो रिपीट करने हैं। सीबीएसई को तो ये सारा डिलीट कर दिया, ये पोर्शन आप लोगों को रखा गया है। तो एक होता है बेटा टॉर्क, इधर देख लीजिए, आप लोगों ने टॉर्क वाला क्वेश्चन कहां पर किया, याद रखिए आप लोगों ने टॉर्क वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब किया, हमने निकाला था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये निकाला था हमने टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर आज निकालेंगे हम टॉर्क, तो टॉर्क निकलेगा टाउ इज इक्वल टू पी के बजाय शबाश एम, ई के बजाय बी साइन थीटा। एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये है टॉर्क, ये वाला टॉर्क आज ऐसे निकलता है, सिंपल क्वेश्चन वही रिपीट। लेकिन इसकी डायग्राम कैसे बनती है वो आप लोग सीख लीजिए, डायग्राम बनाना आप लोगों को आना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड जाता है नॉर्थ से साउथ पोल, ऐसे ऐसे बेटा। इसमें रखा गया है बार मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। शाबाश बेटा, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है बी जो होता है वो होता है एफ अपॉन एम, एम है पोल स्ट्रेंथ, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ जितनी है उस इतनी ही इसकी भी है बेटा। इस
साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। हो गया F1 इज इक्वल टू एम इन टू बी, एफ इज इक्वल टू एम बी, एम इन टू बी इस वाले साउथ पोल को इधर की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ पोल को ये वाला साउथ पोल खींचेगा, एफ टू इज इक्वल टू एम बी। दो इनके बीच में डिस्टेंस होती है 2L। दो फोर्सेस, एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब इस पर टार्क आएगा। उस टार्क के लिए आप लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है जो कि ऑलरेडी निकाला हुआ है। टार्क आएगा एम बी साइन थीटा, ठीक है बेटा। और एक चीज इसमें होती है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे डालते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं, इसको बोलते हैं ए, एफ एन ए, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ये डायग्राम भी आपको उसमें यूज होंगी। ये तीन क्वेश्चंस है, तीन क्वेश्चंस में आप लोगों को मैं ये चीजें बताता हूं। अगर ई एक्शन लाइन होता था, एक्शन लाइन पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, हो गया बी एक्शन लाइन, शाबाश, ई को रिप्लेस कर दिया बी के साथ, 1 अपॉन 4 पाई को रिप्लेस करना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पी को रिप्लेस करना है कैपिटल एम के साथ अपॉन आर क्यू। कैपिटल एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल एम होता है पोल स्ट्रेंथ, शाबाश। ई इक्विटोरियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, इसको बनाएंगे ई बी इक्विटोरियल, शाबाश, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम के बजाय एम पी अपॉन आर क्यू, ये आएगा ये। फिर आता है टार्क, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, शाबाश, इधर क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी के बजाय एम, ई के बजाय बी साइन थीटा। बाकी सेम क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, तो शाबाश, यू इज इक्वल टू पी के बजाय एम, ई के बजाय बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा माइनस। ये चार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा, सिर्फ आप लोगों को लिखने हैं कॉपी पर, किया तो है, जो रिप्लेसमेंट है वो कर दीजिए। थैंक यू।